चलिए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत कर लेते हैं बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी और सब्जी मंडी में लंबे समय से बदहाल रास्ते और टूटे टीन शेड की समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदार और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब सरकार ने रास्तों और टीन शेड को सुधारने का मन बना लिया है। विधायक मूलचंद शर्मा और जिला महामंत्री बुद्धा सैनी उद्घाटन करने बल्लभगढ़ पहुंचे। कार्यक्रम में विधायक मूलचंद शर्मा और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री बुद्धा सैनी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक महोदय ने बताया कि बहुत ही जल्द मंडी की बाकी समस्याओं का भी जल्द ही समाधान करवा दिया जाएगा। 85 लाख रुपए की लागत से सब्जी मंडी अनाज मंडी के जो शेड है उस शहर है शायद को भी बदल जाएगा, और जो सड़कों की जो हालत है उन पीसों को काट के, जो सड़क खराब है उन पीसों को काट के उसको बदल जाएगा। मंडी में सारे किसान का कच्ची फसल सफाई और मंडी में जो सफाई है प्रयास कर रहे हैं सभी लोग मिलकर साफ रखते हैं, जो भी गंदे से पूरा करेंगे। बल्लभगढ़ में लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर एसडीएम बल्लभगढ़ राजेश कुमार ने नवनिर्मित राज्य के कन्या महाविद्यालय में अचानक छापा मारा। कॉलेज में प्रिंसिपल का रूम बंद पाए जाने पर एसडीएम ने प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसके और इसके अलावा एसडीएम ने बल्लभगढ़ शहर में 2 सरकारी स्कूलों का भी दौरा कर वहां सफाई व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं राजेश कुमार का कहना है कि उन्हें लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, उसी के चलते उन्होंने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया और साथ ही शिक्षा अधिकारी अनीता शर्मा भी मौजूद रही और ये कहा कि स्कूल में और कॉलेज में कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने की हिदायत भी दी गई है। कॉलेज को का दौरा किया सर ने, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक तो स्टाफ शॉर्ट है, और एक जो है बच्चों के लाइब्रेरी के में बुक्स नहीं है। दूसरा जो है कंप्यूटर लैब है, टीचर्स की शॉर्टेज है। तो वो अभी ये नया कॉलेज बना है तो सर ने यही कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और वो ऊपर लिखेंगे और इन कमियों को जो है वो दूर करेंगे। बाकी ये नया अभी शुरू हुआ है तो थोड़ा सा इस वजह से ये प्रॉब्लम। प्रिंसिपल ऑफिस बंद मिला जी, जो कि खुला नहीं मिला चाहिए हमेशा, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, प्रिंसिपल का बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं है जो कि होना चाहिए। बच्चों से आज मैंने जैसे बात की तो उनकी समस्याएं थी जो कि प्रिंसिपल को सबसे पहले बतानी चाहिए थी, बट प्रिंसिपल के साथ उनका इंटरफेस अब तक नहीं हुआ। दूसरा, बाकी चीज़ें हैं कि जैसे लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, क्योंकि नया कॉलेज है, टाइम तो लगेगा, बट न्यूज़पेपर तो रखे जाने चाहिए थे अब तक। भिवानी में सरकार बेशक सड़क सुधार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन ये दावे सरकार की ही एजेंसी के लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। दरअसल भिवानी में जब रोडवेज पर देखा तो ड्राइवर बस लेकर निकल रहे थे, चाहे वापसी वाले ड्राइवर हो, लेकिन किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगा रखे थे। रोडवेज के ड्राइवरों का कहना है कि सरकारी बस बल्कि प्राइवेट बस चालक भी ऐसे काम नहीं करते हैं, उन्होंने भी किसी तरह से बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है और अक्सर ऐसा ही देखा जाता है। तो वही रोडवेज यातायात प्रबंधक कुंवर भरत परमार ने कहा है कि हर रोज बस निकलने से पहले निर्देश दिए जाते हैं कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और समय समय पर जांच भी की जाती है। अगर कोई बिना सीट बेल्ट के जाता है तो कार्रवाई भी की जाती है। सर, अगर रोडवेज के ड्राइवर भी सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे तो खुद की सिक्योरिटी होगी सर, सिक्योर्ड हो गए जो नहीं अच्छे से बचेंगे सर। और जो ड्यूटी सेक्शन में जो कर्मचारी बैठते हैं, जब ये ड्राइविंग के लिए जाते हैं, तो इनको निर्देश दिए जाते हैं कि भी आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें, रेगुलरली करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और कुछ जो लापरवाही है, कोई शिकायत आने पर उनके खिलाफ कोई जो विभागीय कार्रवाई है वो भी। भवानी खेड़ा तहसील परिसर में ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर तहसीलदार के माध्यम से एसवाईएल के मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसवाईएल के पानी को भाखड़ा डैम से सतलुज नदी तक और नैना देवी बद्धी पिंजौर से होती हुई
जनसुई हेड के रास्ते से हरियाणा में लाने की मुख्यमंत्री से मांग की है। तो वही एडवोकेट जितेंद्र नाथ ने बताया है कि SYL हिमाचल मार्ग सीमित ने SYL पानी के रास्ते को लेकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लगभग 50 साल से SYL के पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब में खींचातानी चली आ रही, लेकिन आज तक पानी का रास्ता नहीं बन पाया है। तहसील में माननीय तहसीलदार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें SYL हिमाचल मार्ग समिति ने पंजाब और हरियाणा में जो SYL के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है 50-60 साल से, उसका एक समाधान निकाला है SYL समिति ने, SYL नहर बनाने का। ये नहर भाखड़ा डैम से सतलुज नदी तक जो कि बहती है, सतलुज नदी हिमाचल पंजाब बॉर्डर तक 11 किलोमीटर, वहाँ से रास्ता लेकर के और नैना देवी, नालागढ़, बद्दी, पिंजौर, पंचकुला और टांगरी नदी और फिर जनसुई हेड तक लाया जा सके। दूसरी ओर फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, सुनकर हर माँ बाप सन्न रह जाएंगे। जी हाँ, फरीदाबाद में 13 साल की मासूम बच्ची माँ बनी है। दरअसल बच्ची के साथ रेप हुआ है और उस बच्ची ने एक मासूम को अब जन्म दिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि उनके कमरे के ऊपर रहने वाले एक किराएदार था जिसका नाम आलम है, उसने माँ बाप की गैर मौजूदगी में जबरन उसके साथ रेप किया और इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जबरदस्ती किया था? जबरदस्ती नहीं किया था। 13 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती नहीं की तूने? भाग गया था करके? दिनांक 21/3/18 को हमारे पास से एक बच्ची आई थी, जिसने बताया कि उसके कमरे के ऊपर एक लड़का कमरे आलम किराए पर रहता था, जो बच्ची के माँ बाप जब ड्यूटी चले जाते थे तो पीछे से उसके घर जबरदस्ती बलात्कार किया, जो कुछ दिन बाद लड़की के पेट में दर्द हुआ। वो उसकी मदर है, वो हॉस्पिटल लेके गई, जो वहाँ पता चला कि प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो हमारे पास आई, हमने FIR दर्ज की। जिस लड़के ने रेप किया था वो कमरा खाली करके भाग गया था, जो काफ़ी प्रयास के बाद कल उसको गिरफ्तार किया है। और जो बच्ची है, पीड़िता है, उसको कुछ दिन पहले बच्ची पैदा हुई। बच्ची का जो सैंपल था वो हमने बोर्ड से भेज रखा था, अब आरोपी को गिरफ्तार करके उसका DNA लिया गया है, जिसका मैच के लिए वहाँ भेजा जाएगा। फरीदाबाद सूरजकुंड रोड पर मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में नेशनल मीडिया कंक्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। CM हरियाणा के मीडिया सलाहकार अमित आर्या और श्री संजया बारू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सभी वरिष्ठ पत्रकार अतिथियों का मानव रचना के जरिए स्वागत किया और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मीडिया जगत से पहुंची तमाम हस्तियों ने सभागार में मौजूद छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया के जरिए संबोधित किया और फेक न्यूज के बारे में जानकारी दी। वहीं मीडिया की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने भी खुलकर सवालात किए और उनके जवाब भी पाए। इसमें कोई दो राय नहीं है जितेंद्र जी की, ये रियल और फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, सदियों से जब से संसार है तब से ही सच और झूठ चला आ रहा है ना। तो पर लेकिन समय समय पे किस तरीके से कौन कौन सी परिस्थितियों में, तो ये समाज ने ही कहीं ना कहीं कोई रास्ते निकाले हैं। अब समाज के साथ हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकालने का होगा। फेक न्यूज़ का को लेके ये जो आज कॉन्क्लेव हुआ, इसमें कोई दोराय नहीं कि इसकी इतनी प्रासंगिकता है आज के दौर में, और मानव रचना यूनिवर्सिटी ने जो ये कॉन्क्लेव किया जिसमें हिंदुस्तान के इतने बड़े संपादक और बड़े बड़े मीडिया पर्सन्स आए, उन्होंने अपनी चिंताएं भी व्यक्त की और आज काम करते हुए उन्हें व्यवहारिक तौर पर जो जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके तमाम सब जितने मीडिया हैं
उन सब की क्रेडिबिलिटी का सवाल आज कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। उधर फरीदाबाद समाज सेवी संतोष यादव और सचिन तंवर ने नेहरू कॉलोनी में अंतरजातीय विवाह को लेकर संजय नामक युवक की हत्या की गई है। सदमे में आए पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनको संतावना दी। समाज सेवी संतोष यादव और सचिन तंवर ने संयुक्त रूप से इस घटना की घोर अवहेलना करते हुए कहा कि आधुनिक समाज में जहां हम जात पात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं संतोष यादव जातीय भेदभाव को भुलाकर आपसी असमंजस और प्रेम भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कहती है। उन्होंने कहा कि मृतक संजय के परिवार में उसकी माँ और उसका मंद बुद्धि भाई है, ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि उनको जितना संभव हो उतनी आर्थिक सहायता मुहैया कराएं। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद मेजर ध्यानचंद सिंह भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी और कप्तान थे। भारत और विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी, तो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य ये रह चुके हैं। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे हैं। उन्हें भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्र पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। फिलहाल ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग भी की जा रही है। फरीदाबाद के IMG में विक्टोरी ऑटो और रोटरी क्लब के माध्यम से विक्टोस ऑटो के MG हरदीप सिंह बोगा के जन्मदिन के अवसर पर विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें 225 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। वह इस मौके पर हरदीप सिंह बोगा और सतिंदर सिंह बोगा, अमित बार बोगा, संजय सोमवंशी मौजूद थे। फरीदाबाद रोटरी क्लब के प्रधान विपन चंदा, पैटरन अशोक नेहरा समेत कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर MG हरदीप सिंह बोगा ने का कहना है कि समाज की भलाई से बड़ा नेक काम कोई काम नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर प्रधान विपिन चंदा ने कहा है कि क्लब पिछले साल से भी ज्यादा रक्तदान कैंप लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। फरीदाबाद नीलम फ्लाईओवर के पास देशमेश प्लाजा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती 5वीं मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश करने लगी। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू करते हुए आत्महत्या करने जा रही युवती को 5वीं मंजिल से सुरक्षित बचा लिया। उसके हाथों पर किसी तेज धारदार हथियार से काटने का निशान भी था। पुलिस ने घायल युवती को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवती का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने साफ तौर पर बताया है कि युवती आत्महत्या क्यों करना चाहती थी, फिलहाल इसके बारे में उनको नहीं पता। युवती के बयान के बाद ही इसके बारे में बताया जाएगा। मैं अपने कार्यालय में बलूगढ़ बैठा था, तो मेरे पास 6:45 मेरे पास सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि हम कोई लड़की दस मिनट प्लाजा फ्लाईओवर के पास ऊपर छत पे चढ़ी हुई है। तो तुरंत मैं उधर महिला पुलिस स्टेशन, महिला SHO को, आयर ब्रिगेड को, फर्स्ट एड के लिए मेडिकल एम्बुलेंस को, नज़दीकी मेरे कंसर्न SHOs को, सभी को लेकर के मैं विद इन 10 मिनट्स के अंदर मैं मौके पहुँच कर भागकर ऊपर जा करके हालत देखी, तो लड़की काफ़ी किसी न किसी मामले को लेकर काफ़ी सीरियस थी। अभी मामले का पता नहीं लगा क्यों ऐसा कर रही थी, बाकी वो जिस जो उसका एम था वो पुलिस ने मतलब उसको काफी गंभीरता से लेते उसको उसकी जान को बचा लिया है और उसको डिफेंड रखा है। प्रतिला के विधायक टेकचंद शर्मा के जरिए गोद लिए गए गांव फतेहपुर बिल्लो में रात्रि ठहराव किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय प्रचार अमले और अधिकारियों के जरिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई। ग्रामीणों ने रुचिपूर्वक कार्यक्रम देखा और योजनाओं की जानकारी हासिल की। कार्यक्रम का आयोजन फतेहपुर बिल्लौच के सरपंच घर में आयोजित किया था। फरीदाबाद की खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।